वेलकम व्यूअर्स, यही वीडियो रे जानिबा एसएसबी ओडिशा तरफरु जूनियर असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर फॉर्म फिलअप ऑनलाइन अप्लाई केमिति करिवे। प्रथमे ऑफिशियल वेबसाइट ssbodisha.nic.in को जिबे। होम पेज रे स्क्रॉल डाउन करिवे, देखिबे जूनियर असिस्टेंट, जूनियर स्टेनोग्राफर और बोथ इन डिफरेंट यूनिवर्सिटी ऑफ ओडिशा लेखा हेथिबो, सेथिरे क्लिक करिवे। पेज टी को स्क्रोल डाउन करी तळुकु आसी देखिबे नोटिफिकेशन रो समरी दिया जाइथिबो। जदि एपर्यंत नोटिफिकेशन बिषय जानि नांती ताले ऊपर डाहाण कॉर्नर रे दिया जाइथिबा आई बटन टी को क्लिक करी संपूर्ण नोटिफिकेशन बिषय रे जानि परिबे। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जानिबा पई वीडियो टी को स्किप न करी संपूर्ण देखंतु। एबे स्क्रीन रे देखुथिबे प्रोसीड टू अप्लाई ऑनलाइन, सेथिरे क्लिक करंतु। तापर नेक्स्ट पेज रे देखिबे एप्लीकेशन फॉर्म टी आसीबो, स्क्रोल डाउन करंतु। प्रथमे देखिबे एडवर्टाइजमेंट नंबर, पोस्ट नेम और आधार नंबर दिया जाइछि। पोस्ट नेम रे तीनोटी ऑप्शन रहइबो, जूनियर असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, बोथ जूनियर असिस्टेंट एंड स्टेनो। तापरे आधार नंबर टी समस्तंगो पई मैंडेटरी, स्किप करिबे नाही। तापरे एग्जाम सेंटर रो जोन चूज करिबे, जेउथरे पांचोटी ऑप्शन अछि, भुवनेश्वर, कटक, ब्रह्मपुर, बालेश्वर, संबलपुर। निजर कम्युनिकेशन सुविधा देखि जोन टी को चूज करिबे। तापरे निजर ना, बापांको ना, मांको ना एंट्री करिबे। छ नंबर रे मैरिड किंबा अनमैरिड सिलेक्ट करिबे। तापरे देखिबे ऑप्शन दिया जाय छि, इफ मैरिड डू यू हैव मोर देन वन स्पाउस लिविंग, सेटारे यस बा नो क्लिक करिबे। सेवेन्थ रोटी केवल महिला मानको पई, जे माने मैरिड से माने तांकर हस्बैंड ना एंट्री करिबे। एइथ रोटी पर्सनल डिटेल्स, जेउथरे प्रथमे नेशनलिटी इंडियन सिलेक्ट करिवे, जदि फॉरेन रो बिलोंग करथांती अदर सिलेक्ट करिवे। तापरे रिलीजन, जहाँ भी आपणकर रिलीजन सेटा चूज करिवे। छटी ऑप्शन देखि पारुथिबे, सेथिरे जोटा आपणकर रिलीजन सेटा को चूज करिवे। तापरे आसंत देखिबा जेंडर विषय रे, जेंडर रे तीनोटी ऑप्शन अछि, मेल, फीमेल, थर्ड जेंडर। नेक्स्ट पचरा जाइछि जे आपण मिनिमम सेभेन्थ क्लास ओडिया रे पास करिछंती ना नाही, ताको येस करिवे, नो कले एप्लीकेशन रिजेक्ट हेजिवो। तापर कैटेगरी सिलेक्ट करिवे, जेउथिरे जनरल थिले यूआर, एससी, एसटी, एससीबीसी सिलेक्ट करिवे। जो मानकर ओबीसी सर्टिफिकेट अछि सेमाने एससीबीसी सिलेक्ट करिवे नाही, जनरल कैटेगरी रे ही तांको धरा जिवो। जदि आपण पीडब्ल्यूडी, एक्स सर्विसमैन बा दिया जाइथिबा छटी यूनिवर्सिटी रे कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय थिबे ताले येस करिवे, नहले बाय डिफॉल्ट नो रहिबो। तापर डेट ऑफ बर्थ चूज करिवे, तापर एड्रेस चूज करिवे, जेउथिरे स्टेट देबे ओडिशा। स्टेट सिलेक्ट कला बळे देखिबे ओडिशा सबुठु लास्ट रे थिबो, ओडिशा को सिलेक्ट करिवे। तापर आपण निजर डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करिवे, निजर जिला चूज कला परे पिन नंबर, तापर संपूर्ण एड्रेस जेउथिरे पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन और समस्त इनफर्मेसन एड्रेस एंट्री करिवे। वैलिड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दर्ज करिवे। जदि आपणकर करस्पोंडेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम थाए ताले सेटरे क्लिक करिवे, जदि अलगा थाए ताले परमानेंट एड्रेस आउथरे एंट्री करिवे। तापर एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जेउथरे एचएससी माने मैट्रिकुलेशन, बोर्ड नेम, ईयर ऑफ पासिंग और परसेंटेज ऑफ मार्क एंट्री करिवे। सेहीपरि प्लस टू रो, तापर ग्रेजुएशन रो। मने रखिबे कंप्यूटर सर्टिफिकेट विथ डिप्लोमा जहाँ अच्छी सेथिरे यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट, बोर्ड नेम लिखिबे, ईयर ऑफ पासिंग लिखिबे, तापर कोर्स नेम लिखिबे, सेठी परसेंटेज ऑफ मार्क लिखिबे नाही। जेपरि आपण जदि बीसीए करिसेंती किंबा डीसीए करिसेंती किंबा पीजीडीसीए करिसेंती ताहा एंट्री करिबे। आउ जदि शॉर्ट हैंड सर्टिफिकेट आपण पाखरे अछि, जो माने स्टेनोग्राफर पई आवेदन करचेंती सेमानक पई एटा इम्पोर्टेंट, सेमाने यस ऑप्शन क्लिक करिवे। दिया जाइथिया कैप्चा को फिल करिवे, डिक्लेरेशन रे बॉक्स टी को क्लिक करिवे, तापर सेव एंड नेक्स्ट करिवे। सेव एंड नेक्स्ट कला परे आपण मानको स्क्रीन रे गोटिए यूजर आईडी ओ पासवर्ड पाइबे, सेटा को लॉगिन करिवे। लॉगिन कला परे एबळी एको पेज रे आसीबे। पेज टी को स्क्रॉल डाउन करी तळो को जिवे, देखिबे एसएसबी ओडिशा रो किछि पुरुणा नोटिफिकेशन गुडा को देखा जिवो। सेठी देखिबे छटी ऑप्शन आपनको स्क्रीन सामना रे देखा जिवो, रजिस्ट्रेशन, लॉगिन, अपलोड डॉक्यूमेंट, मेक पेमेंट, प्रिंट एप्लीकेशन, फ्रीज एप्लीकेशन। आउ टिके तळो को स्क्रॉल डाउन कला परे आपनको नेम, एप्लीकेशन आईडी, लास्ट लॉगिन केबे करितले से देखेबो। तापर व्यू एप्लीकेशन, अपलोड डॉक्यूमेंट्स, एप्लीकेशन प्रीव्यू, एडिट एप्लीकेशन और पेमेंट पेंडिंग अच्छी ना करी सारी चंती ताहा मध्य जानी परिवे।
ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଅପଲୋଡ଼ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟସରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଅପଲୋଡ଼ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟସରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବେସିକାଲି ତିନୋଟି ଜିନିଷ ଦରକାର ହେବ, ଫଟୋଗ୍ରାଫ, ସିଗ୍ନେଚର, ଲେଫ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଥମ୍ ଇମ୍ପ୍ରେସନ। ମନେ ରଖିବେ ଅପଲୋଡ଼ କରିଥିବା ସମସ୍ତ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଯେମିତି ଗାଇଡ଼ଲାଇନକୁ ଫଲୋ କରୁଥିବ। ଫଟୋଗ୍ରାଫ JPG ଫର୍ମାଟର ଥିବା ଦରକାର, ଯାହା 10-100 KB ଭିତରେ ଥିବ। ସିଗ୍ନେଚର 3-20 KB ଭିତରେ ରହିଥିବା ଦରକାର। ଲେଫ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଥମ୍ ଇମ୍ପ୍ରେସନଟା 3-20 KB ଭିତରେ ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ସବୁକିଛି ଅପଲୋଡ଼ କଲା ପରେ ଆପଣ ସବମିଟ୍ ବଟନରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତାପରେ ବ୍ୟାକ୍କୁ ଚାଲି ଆସିବେ। ଆସିଲା ପରେ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଅପସନ୍ ଦେଖିବେ, ମେକ୍ ପେମେଣ୍ଟର ଥିବ, ସେଥିରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ମେକ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଅପସନରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପେମେଣ୍ଟର ଫର୍ମଟି ଚାଲି ଆସିବ, ଯେଉଁଥିରେ ରେଫରେନ୍ସ ନମ୍ବର, ନେମ୍, ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ID ଆଉ ଆମାଉଣ୍ଟ ଦିଆଯାଇଥିବ। ଆଇ ଆକ୍ସେପ୍ଟ ଟର୍ମ କଣ୍ଡିସନରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତାପରେ କ୍ଲିକ୍ ହିୟର୍ ଟୁ ମେକ୍ ଅନଲାଇନ୍ ପେମେଣ୍ଟରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ପେମେଣ୍ଟ ଗେଟୱେ ପେଜ୍କୁ ଚାଲି ଆସିବେ। ଏଥିରେ ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ହିଁ କରିବେ, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ କାର୍ଡ଼, ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ଼, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଓ ଭୀମ୍ UPIର ଅପସନ୍ ମିଳିବ। ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ଫିଜିବୁଲ ସେଇଟାକୁ ଚୁଜ୍ କରି ପେମେଣ୍ଟ କରିଦେବେ। ପେମେଣ୍ଟ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମଟିକୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରାଇ ନେବେ। ମନେ ରଖିବେ ଫ୍ରିଜ୍ ଆପ୍ଲିକେସନରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଫ୍ରିଜ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ ସବମିଟ୍ ହେବ ନାହିଁ। ଯଦି ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହୁଏ ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଯେତେ ପାରୁଛନ୍ତି ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।